अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल लेविनेक्स और आज हम बताएंगे आपको किक शॉट के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर किक शॉट स्लिप हो जाए तो वेल्डिंग कभी नहीं करवाना चाहिए। वेल्डिंग करवाने से क्लच बॉक्स होता है वो ख़राब हो जाता है, और अगर किक का स्प्रिंग टूट जाए तो भी मसला है। अगर गियर का स्प्रिंग टूट जाए फिर भी आपके लिए मसला है, या अगर कलर पेट चेंज करानी हो तो भी आपके लिए मसला है। इसलिए किक शॉट कभी वेल्डिंग नहीं करवानी चाहिए। इस बंदे ने किक शॉट वेल्डिंग करवाई है लेकिन इसके लिए बहुत ये गलत है। ये कभी वेल्डिंग नहीं करवानी चाहिए। इसने दो दफ़ा वेल्डिंग करवाई है। एक ये बाहर से वेल्डिंग करवाई है और एक अंदर से वेल्डिंग करवाई है। कलर बॉक्स खोल के ये देख रहे हो, अंदर की वेल्डिंग हुई है। अंदर से भी वेल्डिंग कभी नहीं करवानी चाहिए। अंदर से वेल्डिंग कराने में नुकसान होता है, इसलिए किक शॉट चेंज कर दो या उसमें एक बनती है जुगाड़ विलेज और मशीन वाला बना के देगा कि आपको किक इस तरह जुगाड़ कराया करो। वेल्डिंग कभी नहीं करवाया। वेल्डिंग करवाने से नुकसान होता है। कलर पेट चेंज करने के लिए बॉक्स खोलना पड़ता है, स्प्रिंग के लिए बॉक्स खोलना पड़ता है, इसलिए वेल्डिंग कभी नहीं करवाना चाहिए। वेल्डिंग करवाना इंजन के लिए बहुत नुकसान होता है। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए विजिट करें नेवी नेक्स्ट 4। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।